अर्णव गुड इवनिंग गुड इवनिंग लाइव में आपके साथ-साथ और मजा आता है सर सेशंस में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यस 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 सारे बच्चे जवाब दे दिए हैं आई एम ऑडिबल विजिबल यश तृप्ति गुड इवनिंग फटाफट लाइक बटन दबा के भाई कंफर्म कर दो अपने अटेंडेंस और शेयर कर दो भाई शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो बिकॉज़ आज अपने एक्सेम्पशंस चैप्टर को आज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं बिकॉज देर आर वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टडी मैट प्लस पास टर्म पेपर से भी अपने बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे स्पेशली एग्जिबिशन चैप्टर ठीक है प्रेम से बोलो राधे राधे जबरदस्त ऑल इज वेल ऑल इज वेल करेक्ट 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 जबरदस्त सारे बच्चे जवाब दे दिए हैं तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर क्लास तो exemptions में अपने सुबह एग्जाम कर लिए थे और आपको समझ में आ गया होगा वेराइटी ऑफ सर्विसेज आर फ्रॉम इसका नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे है जाके चेक कर लेना मीडिया वाले सेक्शन में लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां पे आप सारा नोट्स डाउनलोड कर सकते हो एट वन प्लेस सेकेंडली अभी अपने रिविजन करें, करेंगे प्रैक्टिस करेंगे

entire income by way of trust by of any trust is exempted from gst entire income of a registered trust is exempted from gst income from specified defined charitable activity of a trust are exempted from gst income from specified defined charitable activity of a registered trust यस ये करेक्ट है सर कि रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट विच आर विच इज रजिस्टर्ड इन ट्वेल्व डबल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड स्पेसिफाइड एक्टिविटी ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट वो वाली इनकम जो होगी ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी एक्जेड फ्रॉम जीएसटी क्शन ऑफ सी जी एस टी एक्ट अंडर डैश सेक्शन जनरल एक्समशन एक्ट में एंड कौन से गवर्नमेंट जनरल एग्जामेशन नोटिफिकेशन इशू कर सकता है तो करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर इलेवन ऑफ सी जी एस टी एक्ट एंड सेक्शन नंबर सिक्स ऑफ आई जी एस टी एक्ट में गवर्नमेंट जनरल एग्जामेशन नोटिफिकेशन इशू कर सकता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर select the correct statement transfer of going concern wholly is not exempt from gst transfer of going going concern is partly exempt from gst and transfer partly as a going concern is exempt from gst ki transfer of a going concern is exempt from gst correct answer is option number d correct answer is option number d नेक्स्ट, अंडर डैश सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड अंडर डैश सेक्शन गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर कैन बी ग्रांटेड। तो जो स्पेशल ऑर्डर होता है वो तो भाई होता है वो तो सर इन सिचुएशन इलेवन सबसे टू में ही होता है तो करेट आंसर इज वॉट ऑप्शन नंबर ए दट इज इलेवन सबसे सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट इज एक्सम अगर आप सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट को सर्विस दे रहे हो वो एग्जेप कब होगा इफ इट इज अ प्योर लेबर सर्विस ओनली इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ध्यान से देखना सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट को अगर आप सर्विस दे रहे हो प्योर लेबर सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ओनली या इट इज ऑन ग्राउंड फ्लोर विदाउट फर्दर सुपर स्ट्रक्चर तो इन दैट सिचुएशन अगर आपका प्योर लेबर सर्विस है तो ही ये एग्जेप्ट होगा सर आपने पढ़े थे प्योर लेबर सर्विस होगा तो ये फुल्ली एग्जेप हो जाएगा सर्विसेज अ होटल इन गेस्ट हाउस क्लब आर फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग ये अब जो है ये डिलीट हो चुका है आप लोग के एग्जाम के लिए ठीक है ना तो अब ये ऑप्शन क्वेश्चन ही रेलिवेंट नहीं है सर ठीक है क्योंकि एज यू ऑल नो कि एग्जेमशन चैप्टर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर में है, में अमेंडमेंट्स स्पेशली काफी सारे विड्रॉल्स आ चुके हैं तो यहाँ पर है ना काफी सारे बच्चे ऑप्शन भी दे रहे हैं but let me tell you guys, अब होटल की जो भी सर्विसेज होगी, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इसमें अमेंडमेंट आ चुका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज एक्समटेड कब एसी कोच में तो टैक्सेबल है टूरिज्म पर्पस है

इनमें से कौन सा जो होगा वो जीएसटी में एग्जेम्ट है बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्जेड इनमें से कौन सा है जो एग्जेप्ट नहीं किया जाएगा इनमें से कौन सा है जो एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा हेल्थ केयर सर्विस यानी टैक्सेबल है हेल्थ केयर सर्विस टू ह्यूमन बींग्स ये फुली टैक्सेबल होगा सर आई मीन फुली एग्जेम्ट होगा तो ये आंसर नहीं है आपसे क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेप्ट मतलब टैक्सेबल हेल्थ केयर सर्विस टू एनिमल्स बर्ड्स ठीक है वेटरनरी क्लिनिक ये भी एग्जाम होगा स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स गाइस स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स लेट मी टेल यू ये जो स्लॉटरिंग सर्विसेज है इसलिए देखो मैंने एक लिस्ट निकाल के रखा है गाइस देखो स्लॉटरिंग वाला जो सर्विस है वो भी डिलीट हो चुका है एग्जेपन से मतलब स्लॉटरिंग सर्विस भी अब फुली टैक्सेबल है मतलब अगर जानवरों को काटा जाता है ये जो सर्विस दिया जाता है जिसके अगेंस्ट में कंस्ट्रेशन चार्ज किया जाता है इसमें जीएसटी चार्ज होगा सर ठीक है ये एग्जेम्पन से डिलीट हो चुका है ये एक्समशन से डिलीट हो चुका है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टैक्सेबल हो जाएंगे नेक्स्ट देखो मैं आपको भी साथ में पढ़ा रहा हूं ठीक है सर्विसेज बाई अ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड और अन एग्जेमटेड आर डब्ल्यू ए का जो सर्विस होगा वो एग्जेम होगा अगर उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मंथ पर मेंबर इट इज नॉट एक्सेडिंग सेवेंटी फाइव हंड्रेड देन उसकी जो शेयर uh, होगी जो आर डब्ल्यू का सर्विस होगा टोटली एक्जटेड सर ठीक है दैट विल बी टोटली एक्जेमटेड बट वो क्या होना चाहिए दैट कॉन्ट्रीब्यूशन uh, एक बार पढ़ लेते हैं प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रीब्यूशन रिस अपू सेवेंटीड पर मंथ फ्रॉम अ मेंबर प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इज अपू सेवेंटी फाइव हंड्रेड परुड सर्विस फ्रॉम एनी थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज ऑफ द मेंबर्स प्रोवाइड द कॉन्ट्रीब्यूशन लेस देन नहीं प्रोवाइड द कॉन्ट्रीब्यून इज अपू सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ पर मेबर फॉर कॉमन यूज ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर ये भी स्पेसिफाइड करेक्ट वर्ड नहीं है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज थर्ड पर्सन से अगर अपने आर डब्ल्यू एस सर्विसज लेता है और उसके वजह से उस, उसने मंथली मेंटेनेंस चार्ज रिसीव किया किससे आर डब्ल्यू ए से सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ में तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा सर एग्जेमिशन नोटिफिकेशन मस्ट बी इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या

कोई भी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया नैनी एंट्री एनी ऑफ द नोटिफिकेशन तो दैट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम द डट ऑफ द इंसेप्शन ऑफ़ दी एक्सप्लेनेशन और देंट्री एग्जिशन कैन बी क्लेम्ड डैश एट डैट स्टेज इवन इफ इट इज नॉट क्लेम्ड एट डैट स्टेज तो एग्जमिशन कैन बी क्लेम्ड एट विच स्टेज इवन इफ इट इज़ नॉट क्लेम मतलब सर हो सकता है कि जब आपकी एडजुडिगेशन चलेगी ठीक है या फिर आपकी एडजुडिगेशन चलेगी अगर आपने पहले क्लेम नहीं किया है तो आप उसके बाद भी क्लेम कर सकते हो तो पहला ऑप्शन है एडजुडिकेशन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन एडजुडिकेशन नन ऑफ दी अबव एनी और प्रायर तो बेसिकली बोला जा रहा है कि जब आप की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस समय आपने एडजुडिकेशन क्लेम नहीं किया बट आप बाद में भी क्लेम कर सकते हो जब आपकी एडजुडिकेशन चल रही थी मतलब आपने एग्जामिशन क्लेम आप कर सकते हो एडजुडिकेशन स्टेज पर भी इवन इफ इट इज नॉट क्लेम इन्वेस्टिगेशन चेंज तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला बात अपने पढ़ चुके विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम देख लो इनमें से कौन सा एग्जेम्ट होगा ऑल काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स सारे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो है लीज जो है वो एग्जाम होंगे बिल्कुल गलत है सर जरूरी नहीं है सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो आप लीज कर रहे हो वो जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफाइड अपने पड़े थे जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स या प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अंडरटेकिंग्स ऑफ फॉर गिविन टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स खाली वही क्या होगा एग्जेम्ट होगा सर तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लीज थर्टी ईर्स और मोर लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस बाई स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज एक्ज शॉर्ट टर्म कवर्ड नहीं है ऑल काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म कवर्ड नहीं है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ठीक है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जेमटेड सर्विसेज इनमें से कौन सा सर्विसेज एक्जटेड है जीएसटी में सर्विस बाई एन आर्टिस्ट बाई वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस थे लैख तो यहां पर जीएसटी की आ, सर जो है यहां पर अपने वन पॉइंट फाइव लैख पड़े थे ठीक है फोक क्लासिकल फॉर्म ऑफ एम डी टी कर रहा है कंस्ट्रेशन वन लैख से ज्यादा नहीं है तो डेफिनेटली ये एग्जेप्ट हो जाएगा वन पॉइंट फाइव लैख से ज्यादा नहीं होना चाहिए

टू ओन एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया इज टोटली एक्जेंटेड ठीक है सर्विसेज सप्लाइड बाई एस्टैबलिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया टू ओन एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया इज टोटली एग्जेमटेड ठीक है एक पर्सन है इंडिया में उसका एस्टैब्लिशमेंट उसी का दूसरा स्टैब्लिशमेंट इंडिया के बाहर एग्जेम्ट कब होगा इफ इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया

जो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो अगर सर्विसेज इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा लेवी ऑफ जीएसटी ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इसको अपने क्या बोलते हैं इसको अपने PSLC बोलते हैं ठीक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट तो जीएसटी की लेवी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट पर आएगी लेट मी टेल यू ये रिवर्स चार्ज बेसिस पे अट्रैक्ट होने वाला है किसके बेसिस पे रिवर्स चार्ज बेसिस यानी ऑप्शन नंबर बी रिवर्स चार्ज बेसिस पे ये अट्रैक्ट होने वाला है तो दिस वॉज द लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज अब अपने आते हैं एक प्रैक्टिकल इलेस्ट्रेशन पे जो कि इन्होंने पूछा था एग्जिमिशन से रिलेटेड आइए इलेस्ट्रेशन नंबर फोर में आते हैं डिटरमाइन द टैक्सबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जी एस टी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेस प्रोवाइडेड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन ठीक है आपको टैक्सबल वैल्यू पूछा है और आपसे पूछा है कि बॉस बताओ कि कितना तुम्हारा वैल्यूएशन आएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ठीक है तो फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन ठीक है 1961. ओके? तो फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाई अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट कितना चार्ज हुआ है यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट जो चार्ज हुआ है वो है एटी थाउजेंड उंट चार्जी था एटी थाउजेंड जो फीस आपने चार्ज किया योगा कैम के लिए लेट मी टेल यू दिस विल बी टोटली फीसमी अंडर जीएसटी इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा अमाउंट चार्ज बाई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ अ बैंक विद रिस्पेक्ट टू द सेविंग बैंक अकाउंट्स तो लेट मी टेल यू इस पे भी जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज दे रहे हैं

प्लेयर रेफरी अंपायर कोच टीम मैनेजर डायरेक्टर ये लोग ये जो सर्विस देते हैं टू रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दैट विल बी एग्जेमटेड बट कॉमेंटेटर विल नॉट बी एग्जेमटेड कॉमेंटेटर जो सर्विस देते हैं रेकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दैट विल ऑल्सो बी फुल्ली टैक्सीबल तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा थर्टीन लैक ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अब आपको उसको किस फॉर्मेट में जवाब देना है आपको बेसिकली

खाली यहाँ कर दिया है आप देख रहे हो बेटा सी एम का मैट सी इंस्टीट्यूट का मैट सब सेम ही है मतलब ये लोग क्वेश्चन तो एक ही जगह से देंगे ना कॉमन क्वेश्चन रहेगा और क्या रहेगा सबका सिलेबस से सेम है डिटरमाइन द जी एस टी पेपर एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन स्वास्थ्य योगा कैम्प कंडक्टेड बाई प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्डी क्या हो जाएगा ये टोटली एक्जेम हो जाएगा अमाउंट चार्ज बाई बिजनेस कॉरस्पोडेंट फ्रॉम वेल्दी बैंकिंग कंपनीस प्रोवाइडेड टू द रूरल ब्रांच ऑफ अ बैंक विद रिस्पेक्ट टू से भी एक्जेम्ड हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा सर्विस प्रोवाइड बाई सेलेक्टर और कॉम्बेटर्स का वहां पर नाम नहीं लिखा गया था तो यहाँ पे ऐसे तो 520 ट्वेंटी यहाँ पे दिया होगा बट डेफिनेटली लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से दिस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल तो आप फाइव ट्वेंटी पे जो जीएसटी निकालोगे फाइव ट्वेंटी पे आप जो जीएसटी निकालोगे आप कौर ब्लड बैंक वाला जो सर्विस है उस पर भी आपको जीएसटी निकालना पड़ेगा अब आप ध्यान से देखना जो जो एग्जाम्शन है उसका नोट दिया गया है दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई एनी एंटिटी रजिस्टर्ड ए बी विल बी एग्जेम्प्टेड ठीक है सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू रूरल एरिया ब्रांच का सर्विसेज हे बिन एग्जेम्प्टेड कॉर ब्लड बैंक बाय कॉर ब्लड बैंक बाई विजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स और एनी अदर सर्विस ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है ना क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा दिस विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन जीएसटी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में स्टेट विथ रीजन जी एस टी स्पेबल इन ऑफ अ नेशनल टीम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्पोर्ट्स बॉडी एज सेलेक्टर ऑफ अ नेशनल टीम तो यहां है ठीक है, selector है selector की जो सर्विसेज होगी ठीक है सेलेक्टर की जो सर्विसेज होगी उस पर जीएसटी क्या होगा टैक्सेबल हो जाएगा सर

फरी अंपायर कोच टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्टिंग इवेंट रिकग्नाइज बाई अ स्पोर्ट्स बॉडी आर एगेड फ्रॉम जीएसटी दस इन दिस केस सर्विस प्रोवाइडेड एज सेलेक्टर ऑफ द इट विल बी फुली टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड बाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ध्यान रहे इन मीटर कैप थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर देन इट इज नॉट एक्सेंड इट इज फुल टैक्सेबल क्या हो जाएगा फुली टैक्सेबल हो जाएगा तो यहां पर प्रेजेंटेशन कैसे किए सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स

बहुत सारे सर्विस किसको दिया जा रहा है गवर्नमेंट को दिया जा रहा है टू गवर्नमेंट को दिया जा रहा है ध्यान से ओके कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल कंपनी ने सारा सर्विसेज दिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल आपको इसका डिटेल दिया ठीक है और याद रखे ये रजिस्टर्ड है और ये किसको सर्विस दे रहे गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे तो so, आपको क्या निकालना है सर कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द ट्रांजेक्शन लीगल प्रोविजन ऑफ द सेम बेसिकली गाइज यू विल विल यू बी बेसिकली हैव टू ड्रॉ द दटेंशन टुवर्ड्स जीएसटी में जो एक्जिबिशन नोटिफिकेशन है ट्वेल्व बाई आपको उसका एग्जीबिशंस का जो लिस्ट है वो आपको देखना पड़ेगा गाइस ठीक है ना चलिए सप्लाई ऑफ मैन पावर मैन पावर फॉर क्लेनलीनेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स तो अपने पढ़े थे प्योर सर्विस फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज इंटरेस्टेड टू अ पंचायत अंडर 243 आर्टिकल 243 जी ऑफ दूशन और म्यूनिसपाली अंडर 243 फोर्टी थ्री डब्ल्यू ऑफ तो यहां पर जो मैन पावर सर्विस है दैट्स अ प्योर सर्विस गिवन फॉर क्लिनलीनेस ऑफ रोड्स दिस विल बी टोटली एक्सम्पटेड अंडर जी एस टी बिकॉज इट्स सर्विस विच इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई फेयर प्राइस शॉप्स ओन्ड बाई कंपनी फॉर्म ऑफ कमीशन ये भी अपने पड़े थे कि इसपे भी जीएसटी स्पेसिफिकली एक्जेंट होता है ठीक है इसपे भी एक्जेम्ट होता है कमिशन विच इज चार्ज ऑन दाइस ऑफ द गुड सोल्ड बाई दिसमें कमीशन कौन लेता है, uh, fair price shops लेता है तो इसपे जीएसटी नहीं लगेगा सर सर्विस ऑफ में इन अ म्यूनिपल एरिया इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ लाइट्स डी विद मेंटेनेंस जनरली रिप्लेसमेंट ऑफ लाइट्स डी ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस आपको पढ़ाया गया था कि यहां पर ध्यान से सुनना अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा गुड्स की वैल्यू हुई तो वो जीएसटी में एग्जेम नहीं होगा यानी मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ द गुड्स इन द टोटल वैल्यू कैन बी ट्वेंटी फाइव परसेंट बट यहाँ पे आप देखो जो लाइट्स है अल्टीमेटली स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस हो रही है और जो पुराना डिफंक लाइट है उसको चेंज किया जा रहा है तो लाइट जो चेंज किया जा रहा है वो आपका थर्टी फाइव परसेंट है दैट इज मोर देन ट्वेंटी इनवॉलिंग सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर गुड्स पार्ट इज मोर देन ट्वेंटी लेट मी टेल यू ये जो सर्विस होगा ये प्योरली टैक्सेबल हो जाएगा सर ये प्योरली क्या हो जाएगा टैक्सेबल The composite supply of goods and services to the government, in which value the supply of the supply of goods constitutes not more than 25% of the value of the composite supply, is exempt. Since in this case the value of supply constitutes 35% of the total composite supply, the same will be taxable. Service of brochure distribution provided under a training program for which 70% of the total expenditure is borne by the government, this limit 75 percent So if brochure distribution दिया जा रहा है अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच सेवेंटी परसेंट मतलब सर गवर्नमेंट को आप सर्विस दे रहे हो बेसिकली ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन का जहां पे सेवेंटी परसेंट गवर्मेंट बेर कर रहा है अगर गवर्नमेंट बेयर करेगा तो वो एक्सम्प्ट होगा लेकिन यहां पे सेवेंटी परसेंट अगर गवर्नमेंट बेयर कर रहा है तो ये टैक्सेबल होगा सर तो सर्विसेज ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी फुल टैक्सेबल बिकॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द दवर्मेंट अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय द गवर्मेंट इज एक्जेंड सिंस इन द गिवन केस आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द गिवन केस सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय द गवर्मेंट

ठीक है अब आपको क्या पूछा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बहुत ज़्यादा इजी सवाल है ये, ये है ये ठीक बैंकिंग एंड सर्विसेज कितने रुपए के 130 थर्टी ,00 लैख का आपने लोन एक्सटेंड किया तो एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन इट्स कस्टमर्स इज अमाउंटिंग टू 130 थर्टी ,00 लैक्स कितना हमने लोन एक्सटेंड किया उसके अगेंस्ट में हमने इंटरेस्ट चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा सर बट प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स दिस विल बी टोटली टैक्सेबल इन जी एस टी ये जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा सर लोन अगर आप दे रहे हो तो वो तो आप एक इट्स अ मनी ट्रांजेक्शन इन मनी इट विल इज ना इधर इट इज नॉट अ गुड्स और अ सर्विस कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन बैंक ये भी क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा सर ठीक है इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड बाय बैंक ध्यान से जहां पे इंटरेस्ट की बात हो रही है क्रेडिट कार्ड के ऊपर वहां पर जीएसटी लग जाएगा ठीक है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन ये क्या हो जाएगा टोटली totally एक्जेम्ड हो जाएगा ठीक है इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बी टोटली एक्समटेड मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो करेंट अकाउंट से डेबिट होता है मान लो आपने मिनिमम बैलेंस नहीं रखा या तो यहां पर क्या हो रहा है सर कि हाउसिंग लोन जो है सिंस मनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड्स इट इज एक्सटेंडिंग ऑफ लोन इज नॉट अ सप्लाई ये गुड्स नहीं है तो एक्सटेंडिंग ऑफ लोन इज नॉट अहला पॉइंट ये रहा क्लियर दूसरा टैक्सेबल है तीसरा टैक्सेबल है ट्वेंटी एंड थर्टी ठीक है ट्वेंटी एंड थर्टी विल बी टोटली टैक्सेबल इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड जो है दैट विल ऑल्सो भी टैक्सेबल बिकॉज इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एग्जामेशन एंट्री तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज नॉट टैक्सेबल ये एग्जेम्ट है और मिनिमम बैलेंस चार्जेस एनी चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट इज़ फुली टैक्सेबल तो ये भी क्या हो जाएगा फुली टैक्सेबल हो जाएगा तो यहां पर गाइस खाली दो जो एंट्री है पहला वाला मतलब इंटरेस्ट वाला ये वाला और फर्स्ट वाला ये दो जो एंट्री है ये आपका एग्जामिशन में आ जाएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देखिए ये जितने भी सवाल है सब इंस्टीट्यूट के आइदर एम आरटीपी पास्टम पेपर्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं ठीक है आपको यह समझना पड़ेगा तो यह चीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसी से आपका जीएसटी का नॉलेज भी बढ़ेगा सर आल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अ प्राइवेट कॉलेज इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब ठीक है अल्फा इंस्टीट्यूट मतलब एम प्रोवाइडेड ए आई एम प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर द मंथ ऑफ है वो एक कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है ओके इट्स प्राइवेट कॉलेज ओके ये आपको सिक्स ट्रांजैक्शंस दिए ट्यूशन फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स परसुइंग मैनेजमेंट कोर्सेज रिकोगनाइज बाय पंजाब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ट्यूशन फीस आपने रिसीव किया है स्टूडेंट से परसुइंग मैनेजमेंट कोर्सेज रिकोगनाइज बाई पंजाब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है अब ये जो ट्यूशन फीस है स्टूडेंट से लिया गया पर्सिंग मैनेजमेंट कोज रिकोगनाइज बाय पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर तो ये डेफिनेटली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट्स को सर्विस दिया तो दिस विल बी टोटली एग्जैम्पटेड फ्रॉम जी ये क्या हो जाएगा आपका ट्यूशन फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सन रिकोगगनाइज्ड मैनेजमेंट कोर्सेज दे आर एक्चुअली एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो ये स्टूडेंट्स को जो सर्विस दिया ये टोटली totally एग्जेप्ट हो जाएगा सर Tuition fees received from students pursuing undergraduate course recognized by Stan University London under dual degree program. This course is not recognized under Indian law, and that is why it is not being provided as an education institution. So this will be totally taxable in India. Yejoo tuition fees students receive for pursuing undergraduate courses recognized by uh, some another uh, course. और अनदर यूनिवर्सिटी विच इज आउटसाइड इंडिया ये जो रिक्नाइज नहीं इंडिया में ये टोटली totally टैक्सेबल हो जाएगा ट्रेनिंग रन बाई डिपार्टमेंट ऑफ एल्फा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अब थोड़ा ध्यान से स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी ठीक है अब एक एल्फा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है यानी वो ट्रेनिंग करता है स्टूडेंट्स को तो उससे जो सर्विसेज मिला अगेन गाइस दिस विल बी टोटली टैक्सेबल बिकॉज एल्फा लिमिटेड खुद नहीं दे रहा है उसका डिपार्टमेंट दे रहा है तो अगर उसका डिपार्टमेंट ने सर्विस दिया तो इस पर जीएसटी लग जाएगा मेस फीस रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स परसुइंग क्वालिफिकेशन रिकोगनाइज बाई इंडियन लॉ मेस इज रन बाय एम आई मीन ऑल इन एल्फा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑन इट्स ओन तो गाइज यहाँ पे क्लियर है सिंस दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाई एल्फा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट टू इट्स स्टूडेंट्स तो दिस विल बी एग्जेप्ट फ्रॉम जी एस टी ये क्या हो जाएगा ये जी एस टी में एग्जेम्ट हो जाएगा तो मेस फीस जो है इस पर जी एस टी नहीं लगेगा सर मेस फीस पे जी एस टी नहीं लगेगा ठीक है नेक्स्ट हुआ अमाउंट पेड टू लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर प्रेमाइसिस टेकन ऑन रेंट फॉर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई स्टार्ट हो गया है। ये तीन चार क्या था आउटवर्ट सप्लाई था अब इनवर्ट सप्लाई चालू हो गया है कि this, uh, Alpha Institute Management ने क्या किया लोकल म्युनिसिपल कारपोरेशन को पे किया फॉर प्रेमाइसिस टेकन ऑन रेंट फॉर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस तो सर रेंटिंग ऑफ इमुल प्रॉपर्टी सर्विस गिवन बाई म्यूनसिपल अथॉरिटी दैट इज लोकल अथॉरिटी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो अपने पड़े तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रिवर्स चार्ज लग जाएगा इस पर जीएसटी इनपुट सर्विस पे टैक्स लग जाएगा लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी इस इसे भी आरसीएम लग जाएगा तो यहाँ पे आपको आरसीएम टैक्स तो देना पड़ेगा बट आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा तो अल्टीमेटली अपने जीएसटी और अपने जीएसटी वैल्यू क्या हो गई जीएसटी तो की टैक्सेबल थर्टीन लाख नाइन अब आपको क्या करना क्या करना है इस थर्टीन लाख नाइनटी का आपको जीएसटी में वो निकालना है कि इस पर जीएसटी आपका सी एस आई का लाइबिलिटी है यू ज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ पंजाब ठीक है ना तो जहाँ जहां टैक्सबल एक बार वो देखते हैं पहला टैक्सीबल वो जो है ट्यूशन फीस रिसीव फ्राम स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स रिकोगनाइज बाई दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एट लाख फिफ्टी टैक्सीबल है फिर मेस फीस रिसीव फ्राम स्टूडेंट्स तो एट लाख फिफ्टी थाउजेंड टैक्सीबल है और फिर यह फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी रन बाई डिपार्टमेंट ऑफ ए आई एम तो

ठीक 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 है 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 तो पर अपना 850, पर अपना 850 850 पे प्लस अगर अपने 9 निकाले एस जी एस टी मिल गया अंडर फॉरवर्ड चार्ज अब रिवर्स चार्ज पे आपको ये दो कैलकुलेशन करना फिफ्टी थाउजेंड पे नाइन परसेंट और ट्वेंटी थाउजेंड पे नाइन परसेंट तो फिफ्टी थाउजेंड पेट कितना हुआ फोर्टी फाइव हंड्रेड हुआ और ट्वेंटी थाउजेंड पे नाइन परसेंट कितना हुआ? 1, तो 4500 सीजीएसटी एसजीएसटी और 1800 भी सीजीएसटी एसजीएसटी ठीक है तो ये आपका टोटल कितना हो गया मिलाकर जीएसटी लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज 6300 ठीक है 6300 अब आप देखो अब आपको आउटपुट टैक्स पे करना है अब इस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो दैट इज वन ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड माइनस सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड आप आई टी सी क्लेम कर सकते हो तो आउटपुट टैक्स जो आपको पे करना है वो कितना पे करना है वन लाख एटीन एट हंड्रेड एंड वन लाख एटीन हंड्रेड बट आपको इस पे भी आर सी एम ऐड करके जो आपका आर सी एम का लाइबिलिटी है वो तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा तो आर सी एम लाइबिलिटी आप अलग से दिखाओगे मतलब सर आप बोलेंगे बात तो सेम ही है लेकिन आपको दिखाना ऐसे है बात तो सेम है ठीक है बट आपको दिखाना पड़ेगा आउटपुट टैक्स लेस आई टी सी ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इन लीगल सर्विसेज प्लस दिस विल गिव यू नेट रिजल्ट विल गिव यू आउटपुट टैक्स पेबल आफ्टर सेट ऑफ ये आपको नेट रिजल्ट देगा और उसके बाद आपको फाइनली क्या मिल जाएगा नेट इन कैश तो ये ये जो है अमाउंट के बाद आप वाला टैक्स भी एड करोगे ये जो है आई टी सी ध्यान रखना इसको कन्फ्यूज मत करना आरसीएम का भी तो क्रेडिट मिलेगा ना तो क्रेडिट तो यूज करोगे ना तो आउटपुट टैक्स के साथ ही यूज हो सकता है इनपुट टैक्स का क्रेडिट इनपुट टैक्स के साथ यूज नहीं हो सकता है सर तो वो आपने क्या किया अलग से पे कर दिया एड करके तो दैट इज टोटल इज एंड ठीक है ट्यूशन फीस रिसीव बाई स्टैंड टैक्सेबल क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रेकोनाइज बाई लॉ फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिव एग्जाम ट्रेनिंग टैक्सेबल एज डिपार्टमेंट ऑफ एम इज नॉट एन एजुकेशन उसका जो डिपार्टमेंट है वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है सिंस एग्जाम ट्रेनिंग डज नॉट लीड टू अ ग्रांट ऑफ अ अरेकोगनाइज क्वालिफिकेशन ठीक है वो कोई रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन नहीं है अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर लिया तो ठीक है केटरिंग सर्विसेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देते हैं वो एग्जेम्ड होते हैं सिंस ऑल द सर्विसज प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सी और एस चार्ज हुआ है जीएसटी पेबल है रिवर्स चार्ज में दो सर्विसेज पर अमाउंट पेबल अवेलेबल इन द क्रेडिट लाइट ज मे बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ओनली आउटपुट टैक्सेस हाउ व टैक्स पेबल वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स पेबल एंड रिवर्स चार्ज इज नॉट एन आउटपुट टैक्स देर फो टैक्स पेड रिवर्स चार्ज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आई टी सी एंड दिस विल हैव टू बी पेड इन कैश ठीक है तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर ये ट्वेंटी वन इसके पहले आओ डिटरमाइन द जीएसटी पेबल इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ जीएसटी इज एंड दैट द सर्विस प्रोवाइडर्स आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो अगर जीएसटी पेबल है इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ जीएसटी एटीन परसेंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस Uh, by a film actor in film and consideration is 1,45 lakh. It is fully taxable. you have to reason. Dena padega. Services provided by an artist in uh, in folk or classical form of music, dance, theatre, if the consideration is not exceeding 1,50, will only be exempt. In this situation, it is a Bollywood performance and, then it, and hence it is fully taxable. That's it. Carnatic music performance by a classical singer to promote a brand any services provided, provided as a brand ambassador will be fully taxable no matter if the even if the consideration is not exceeding one lakh thirty thousand one lakh fifty thousand carnatic music performance by a classical singer in a music concert and concentration charges one lakh fifty five therefore in this situation since the concentration charges is exceeding one lakh fifty thousand it is fully taxable kathak dance performance by a classical dancer in a cultural program and concentration charges one lakh forty fully exempt ho ठीक है तो पहला तो पहला क्या है टैक्सेबल है और यहाँ पे आपको सबका जीएसटी निकालना था 18%, 18 और थर्ड का भी कितना 18%. But last वाला जो है फ्रॉम जीएसटी totally इस पर जीएसटी एग्जेम हो जाएगा इस पर जीएसटी टैक्सेबल नहीं होगा सर डिस्कस विद रीजन ये सेम क्वेश्चन अपने क्लास में किए जीएसटी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई एक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग्रांसपोर्ट एजेंसी इन ईच ऑफ दल्सो कैलकुलेट द टोटल टैक्सबल वैल्यू ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस का टोटल टैक्सबल वैल्यू निकालना है ठीक है जीटीए का कस्टमर ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी गाइज अवेन्डमेंट आ चुका है जो सेवन फिफ्टी का और फिफ्टीन हंड्रेड का लिमिट था वो फुल्ली डिलीट हो चुका है ठीक है तो मिल्क तो एग्जेम्ट होगा ठीक है बट ये जो होगा जो भी है दिस इज फुल्ली टैक्सेबल ठीक है यह पूरा टैक्सेबल है मिल्क एक्ज होगा ठीक है बिकॉज आर स्पेसिफाइड गुड बाद जो भी है अपने ऑलरेडी एग्जीबिशन में विड्रॉल में पड़ चुके हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला जो सर्विसेज है वहां पर अपने ऑलरेडी अमेंडमेंट में गाइस पड़ चुके हैं ठीक है ना यहां पॉइंट देखिए गुड्स बैक कंस्ट्रेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट एंड सिंगल कार्ज डज नॉट एक्सिड फिफ्टी हंड्रेड यह सर्विस डिलीट हो चुका है एंड गुड्स बैक कंस्ट्रेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स फॉर अंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड सेंट फिफ्टी दिस इज ऑल्सो डिलिटेड तो ये जो है ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे अब टैक्सबल हो जाएंगे सर तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट एलेवन एट्टी और ये है थ्री थाउजेंड तो मेरी माई आंसर विल बी हाउ मच टोटल टैक्सेबल वैल्यू इज फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी टोटल टैक्सेबल वैल्यूज फोर था ए बी लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु सिक्स प्रोवाइडेड फॉलिंग सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर उन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड किया ठीक है ना हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विसेज हैज प्रोवाइडेड

कंपनी रजिस्टर्ड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ को ठीक है तो ये जो होगा इस पर जी नहीं लगेगा सर बिकॉज दे आर एक्चुअली कमिंग पार्ट ऑफ दी अगर आपको याद होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज दिया जा रहा है ये किसको दिया जा रहा है ये कॉमर्स कॉलेज को दिया जा रहा है और ये कॉमर्स कॉलेज क्या कर रहा है दे आर क्या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है द आंसर इज यस सो एनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ध्यान से सुनना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी सर्विस रिसीव कर रहा है कौन कौन सा टी सी एस याद है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दैट इज जो भी स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टाफ का सर्विसेज इज अवेल्ड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड नाउ दिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग एनी डिग्री कोर्सेज रिकग्नाइज अंडर एनी लॉ तो ये क्या हो जाएगा जीएसटी में यहां पर क्यों होगा एग्जेम यहां पर क्यों नहीं लिखा गया क्योंकि अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहां पर यह आएगा गाइस कि अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यहां पर पढ़े थे कि सर ये जो इनवर्ट सप्लाई है टी का दिस इज ओनली एप्लीकेबल इफ दैट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज गिविंग प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी बट ये तो बीबीएम सर्विस दे रहा है तो ये जो पहले एग्जेम हो सकता है अगर ये प्री स्कूल देता नहीं तो ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ठीक है टैक्सेबल होगा ट्वेल्थ के ऊपर है एग्जैक्टली exactly. यहां पे क्योंकि करेक्ट आंसर है पुष्पिंदु अगर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के ऊपर वाला कोई इंस्टीट्यूशन है तो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा ट्वेल्थ तक होता तो ये एग्जेम होता ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एक्टेड अब यहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा जो ये डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये टोटली totally एग्जेमटेड हो जाएगा ठीक है अब हाउस कीपिंग सर्विसेज टू टी कोचिंग इंस्टीट्यूट दिस इज फुली टैक्सेबल बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट इज नॉट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी सर्विसेज टू एन हायर सेकेंडरी स्कूल येस ये भी एग्जेम्ट हो जाएगा बिकॉज सिक्योरिटी सर्विसेज टू एनी हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब सर्विसेज एनी स्कूल हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज अप टू नॉट अप नॉट बियॉन्ड क्लास ट्वेल्व एग्जामिनेशन तो ये भी जीएसटी में एक्जेम्ट हो जाएगा सर्विसेज ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर टू स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी मेडिकल कॉलेज ठीक है ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज रिकोग्नाइज बाई लॉ इन मेडिकल फील्ड देखो यहाँ पर क्या हो रहा है केटरिंग सर्विस दिया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग और हाउस कीपिंग तो केटरिंग सर्विसेज दिया जा रहा है किसको एक एजुकेशनल uh, इंस्टीट्यूशन uh, को ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज रिकग्नाइज बाई लॉ इन मेडिकल फील्ड तो यहां पर भी गए सेम चीज है क्लास ट्वेल्व तक होता तो एग्जेमट होता वरना ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा सर्विस एक्जेंट बट ब्रेकफास्ट डिनर क्यों क्योंकि ये सेम रीजन है बिकॉज इट इज ओनली एक्जेम्प वेन द एजू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्चुअली रिसीविंग द सर्विसेज फ्रॉम द प्रोवाइडर दे आर दे आर दो इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग अप टू प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अपू हायर सेकेंडरी स्कूल तो यह क्या हो जाएगा टोटली totally टैक्सेबल हो जाएगा तो so, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत आ सकते हैं बिकॉज यहां पर इन्हो अलग अलग लेवल के सवाल आपको कराते हैं सर ठीक है नेक्स्ट आओ सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड मैनुफैक्चर्स ब्यूटी सोप विद द ब्रांड नेम फॉर एवर ब्यूटी एक्स वाई जेड हैज़ ऑर्गनाइज अ कॉन्सर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड महिमा इज ब्रांड एम्बेसडर इज लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस गिविन अ क्लासिकल परफॉर्मेंस तो ये एग्जेम्ट नहीं होगा ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा आपको बता देना है क्यों बिकॉज शी इज गिविंग दिस सर्विज आर न ब्रांड एम्बेसडर वॉट विल बी योर आंसर इफ द प्रोसीड्स ऑफ द कॉन्सर्ट इज डोनेटेड द आंसर इज इरेलीवेंट मतलब सेम ही आंसर होगा बिकॉज इवन

ये देखो सीरियल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाली ये चार चीज का जो स्टोरेज एंड वेर हाउसिंग है वो ही एक्जेम होगा बाद बाकी टैक्सेबल होगा तो ये टैक्सेबल कर देंगे आप ठीक है तो जैगरी का जो वेरहा सर्विसेज है नाउ दिस विल बी टैक्सेबल नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अन अर्बन ब्रांच कर दिया है तो टैक्सेबल है अगर रूरल ब्रांच होता तो तो होता। लेकिन ये जो टैक्सेबल होगा किसके हाथ में होगा ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यून विध जीएसटी तो आपको सप्लायर जो पी है उसके लिए जीएसटी का लाइबिलिटी निकालना है तो ये जो कमीशन रिसीव्ड एज बिजनेस फैसिलिटेटर है वो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन नाइन थ्री मैंने बोला था रिवर्स चार्ज एक्जेमिशन के साथ आएगा अमाउंट रिसीड फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का अगर आप रिपेयरिंग सर्विसेज दे रहे हो तो उसमें जीएसटी एग्जेप्ट नहीं होगा ठीक है सॉरी उसमें जीएसटी एग्जेम्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता तो टैक्सेबल हो जाता

इन द गवन केस इन अर्बन ब्रांचल हाउ टैक्स पेड बाई द बैंक अंडर रिवर्स हेन्स पी विल नॉट बी लेबल टू पे जी एस टी इन दिस पार्ट ठीक है ओके okay. अच्छा इसमें एक पॉइंट देखिएगा यहां पर इंस्टीट्यूट ने एक्म्पन लिया देखो यहां पर क्या है देखो यहां पर हमने लिखा है सर्विसेज बाई वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रेक्ट फॉर रिपेयरिंग अब देखो अगर आप एग्जामेशन के लैंग्वेज को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करोगे तो वहां पर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है यहां पे वर्ड क्या यूज कर दिया सर्विसेज बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो यहां पर आप देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमिशनिंग इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्कस या पे रिपेयरिंग वर्ड इंक्लूड नहीं किया है मतलब अगर आप सिंगल रेसिडेंशियल में एक न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हो एक नया इंस्टॉलेशन कर रहे हो तभी जाके एग्जेप्ट होगा अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो ये वर्ड में नहीं आएगा सर बिकॉज रिपेयरिंग का सर्विसेज एलिजिबल नहीं है फॉर एग्जेम्शन इसलिए ये इसको टैक्सेबल कर दिया ये एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है तो आपको भी यही इंटरप्रिटेशन फॉलो करना है कि सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का अगर रिपेयरिंग सर्विस होगा तो एग्जेप्ट मत करना तब वो क्या कर देना टैक्सेबल कर देना नेक्स्ट एक पूरा एग्रीकल्चर सर्विस का सवाल आया था ग्रीन एग्रो सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग दिनफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिस तो बहुत सारे यू नो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं ओके okay, इसमें बहुत सारा चेंजेस आ चुका है बेटा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछा है ऑल द रिसीट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी और क्या क्या पूछा है आपको खाली अच्छा बस ये पूछा आपसे ठीक है अब सर्विसेज रिलेटिंग टू रेयरिंग रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस

सर्विसेज बाय फ्यूमिगेशन इन मी टेल यू इसको भी अब गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है अब इस पर जीएसटी लग जाएगा टैक्सीबिलिटी आ जाएगी तो यहां पर जो लास्ट सर्विस है उसमें भी टैक्सीबिलिटी आ जाएगी क्योंकि अब ये एग्जेम्ट नहीं होगा ठीक है नाउ दिस विल नॉट बी एग्जेम्टेड फ्रॉम जीएसटी नेक्स्ट आनंद ट्रस्ट कोलकाता इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेल्व डबल एफ द इनकम टैक्स एक्ट इट हैज प्रोवाइडेड

यहां पर फिर आप बोल सकते हो कि इट इज एग्जेम्ड ठीक है तो यू हैव टू जज द क्राइटेरिया एंड यू हैव टू अकॉर्डिंगली राइट द आंसर रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फूड इन आनंद फूड कोर्ट लोकेटेड इन द ट्रस्ट प्रेमाइसिस अभी जो फूड आपने बेचा है आनंद फूड कोर्ट में ठीक है जो कि ट्रस्ट प्रेमाइसिस में है ये भी टैक्सेबल हो जाएगा सर रिफंडेबल डिपॉजिट रिसीट फ्रॉम रेस्टोरेंट्स यूजिंग ब्रांड नेम एंड लोगो ऑफ आनंद फूड कोर्ट आपने एनुअल फीस रिसीव किया और आपने रिफंडेबल डिपॉजिट तो रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट फॉर पार्टिंग ऑफ कंस्ट्रेशन बट ये जो एनुअल फीस रिसीव किया ये टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है डोनेशन रिसीव फॉर पूजा ऑर्गेइज इन ट्रस्ट प्रोमाइस ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से फॉर सीनियर सिटीजन एजेड मोर देन सिक्सटी फाइव ईयर रिसाइडिंग इन कोलकाता अमाउंट रिसीव फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर बंस टाइगर्स इन सुंदर वेस्ट बंगाल ठीक है तो ये भी एग्जेप हो जाएगा उट प्रसिलीजियस प्लेस ओन बाई द ट्रस्ट इन कोलकाउसेंड होते ही क्या हो गया सर ये जो टेन थाउजेंड होते जी एस टी में टैक्सेबल हो गया क्योंकि टेन थाउजेंड और मोर होते ही ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा तो प्लीज ये सब चीज आप देख लेना रिसीड्स फ्रॉम फूड को टैक्सेबल था एनुअल फीस टैक्सेबल था ठीक है डोनेशन जो है यह रिलीजियस सेरेमनी है यह एग्जिम हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये ओवर द एज ऑफ 65 इयर्स ये कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है बिकॉज़ ये पर्संस रूरल एरिया में नहीं था ये कोलकाता में था जो टाइगर टाइगर वाला प्रिजर्वेशन है दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड रिलीजियस प्लेस को लेट आउट करना ये भी टोटली totally टैक्सेबल हो जाएगा सर ठीक है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में मल्टी मुति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

ठीक है तो ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है सर इस पे जो होगा जीएसटी टैक्सेबल हो जाएगा रिसीट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन प्योरिट यूनिवर्सिटी दिल्ली प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ बीइंग एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन तो अगर आपने स्टूडेंट से सर्विसेज लिया ठीक है रिसीट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड मतलब बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि आप एक आ, सर्विज दे रहे हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कि इंडियन लॉ तो याद करो एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर सर्विसेज दे रहे हो किसी भी तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे जीएसटी क्या हो जाएगा एक्जेप्ट हो जाएगा अमाउंट रिसीव फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स फैकल्टी फ्रॉम द रेसिडेंस टू लोटस पब्लिक स्कूल एक् हायर सेकेंडरी स्कूल ये प्री स्कूल वाला है तो ये भी एक्जेम्ट हो जाएगा अमाउंट रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी हाउस कीपिंग सर्विसेज इन धानी पब्लिक स्कूल ये भी प्री स्कूल वाला है ये भी क्या हो जाएगा

दामोदर प्रोवाइड्स सर्विसेज बाई वे ऑफ स्टोरेज ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आज भी क्या है एग्जेम्ट है इन भटिंडा पंजाब द मंथली रेंटल ऑफ गोडाउन इज दिस एग्जामिन वेदर जी एस टी इज पेबल बाई दिस आंसर इज नो स्टोरेज वेर हाउसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आज भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स देखो मैंने आपको एग्जीबिशन में पढ़ाया था कि सीरियल्स पलसेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये चार प्रोडक्ट का स्टोरेज वेयरहाउसिंग आज भी एग्जेप्ट होगा इस पर जीएसटी नहीं लगेगा बाद बाकी पे ऊपर जी एस टी लग जाएगा सर ठीक है ओके बात बाकी गाइज आप लोग खुद से भी कर सकते हो मेरा इसमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ओके मेजॉरिटी क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिया है मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मैंने आपको क्वेश्चन कवर करा दिया है इससे आपका जो प्रैक्टिस है इस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा कि यहाँ पे आपको पता चला कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं ओके तो एव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको हंड्रेड परसेंट अश्योरेंस दूं कि आपको पता चले कि जो भी आप कवर कर रहे हो इट इज़ कमिंग इन एग्ज़ामिनेशन ठीक है जो भी आप कवर कर रहे हो इट इज कमिंग इन एग्जामिनेशन और आपको एग्जामिनेशन भी उसी तरह से प्रिपेयर करने अपने आप को तो एग्जामिशन एक ऐसा चैप्टर जितना बार पढ़ोगे उतना बार लगेगा कि कुछ आता नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट जितना बार पढ़ोगे आपको लगेगा कि कुछ आता नहीं है तो एज इन इन दिस सिचुएशन आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास ऑप्शन है कि बस आप रिवाइज कर लो नोट से पढ़ लो और एटलीस्ट जो मेरे मैट के क्वेश्चन है जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट के क्वेश्चन और मेरे सेवियर बुक के क्वेश्चन हैं वो आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे पास अवेलेबल है आपने आपको वो भी करके रखना है ठीक है तो दिस इज द प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो फॉर योर रिजल्ट ठीक है अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली विल बी स्कोरिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन गाइस ठीक है ना तो ये था मेरा आज का क्लास तो देखो आज अपने एग्जाम को इजिली कवर कर चुके हैं ठीक है एग्जामिशन का जो मैं सोचा था कि मैं आपको दो पार्ट में क्लास कराऊंगा बट ये रिक्वायर्ड हुआ नहीं तो मेरे हिसाब से एग्जामिशंस जो है वो आपका आज ही आज का जो सुबह वाला क्लास था उसमें आपने कवर कर लिया सुपर 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 था आज का सेशन थैंक यू सो मच ठीक है ओके okay. अरलान बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक बेटा आपको पक्का बुक अवेलेबल हो जाएगा बहुत कॉन्फिडेंस आया थैंक यू थैंक यू यस सर दिस प्रैक्टिस सेशन आर वेरी यूजफुल एन ऑल द कॉन्सेप्टिवाइज वेरी इजिली यस मुझे पता है यूजफुल है तभी बेटा आप लेके लिए लेक कराया जा रहा है तभी आप लोग कर भी रहे हो बट आप लोग एक गलती कर रहे हो आप अपने फ्रेंड्स तक ये लिंक शेयर नहीं कर रहे हो ये गलती मत करो डेली जो भी मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करता हूं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपका ड्यूटी बनता है कि आप लोग भी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये ग्रुप में जोड़िए सो दैट दे कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट ऑल द वी आर डूइंग इट राइट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द आइकन बटन टू गेट द ऑल द रियल टाइम अपडेट्स एंड यस हमारा कोर्सेज अभी फुल ऑन चल रहा है All the admissions are going on CA inter, CS executive, CMA inter and CMA final. If you are interested and if you want to recommend our course, then you can just go on to our website www.nikunjgoingka.com and there you can just purchase our courses. Okay, book bhi website pe aega, book bhi आपको मिल जाएगा. Don't worry. ठीक है. I have registered, but कोई भी book download नहीं हो रहा. Yes, Prasad, क्योंकि book अभी start हुआ नहीं है. जब start होगा तो आपको मिल जाएगा. Don't worry at all. ठीक है. चलो, 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 चलो. नोट्स अपलोड हो जाएगा ग्रुप में यस yes. जो नोट्स है एग्जामेशन का इनफैक्ट एग्जामेशन का नोट्स अपलोडेड है ग्रुप में क्यों अपलोड करूंगा मैं फिर से ऑलरेडी अप नोट्स जो है वो अपलोडेड है आपको बस जाके चेक कर लेना है ऑल द नोट्स आर अपलोडेड भाई ऑल द नोट्स आर अपलोडेड ठीक है प्लीज शेयर लिंक फॉर नोट्स विनीता कहां पे हो आप फर्स्ट डे से क्लास करो मैं बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में जाइए टेलीग्राम ग्रुप में जाइए वहां पे आपको सारा नोट्स मिलेगा ठीक है सो दैट्स इट गाइस आज के लिए इतना ही रखेंगे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन और बस अभी बहुत कुछ करना बाकी है अभी इनकम टैक्स का भी सीरीज हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स का भी सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे डोंट वरी सब कुछ आपके लिए मैं लेकर आने वाला ऑल द फाइव रेसिडेंशियल स्टेटस उसका भी प्रैक्टिस इसी तरीके से होगा एक बार जीएसटी थोड़ा खत्म हो जाए इनकम टैक्स का भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे ठीक है कल बेटा ऐसे तो हम लोग का शेड्यूल एग्जामेशन का था बट क्योंकि खत्म हो गया है तो कल आप लोग रेस्ट ले सकते हो ठीक है क्योंकि हम लोग का कल का शेड्यूल एग्जिमशन का था अगर एग्जिमेश खत्म हो गया तो आप लोग रेस्ट ले सकते हो बट लेट मी चेक इफ पॉसिबल वी कैन टेक सेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टुमारो अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर बाकी था रजिस्ट्रेशन अपने शेड्यूल में इंक्लूड नहीं कर पाए थे तो रजिस्ट्रेशन अपने कल स्टार्ट करेंगे कल सुबह ग्यारह बजे आपका रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है उसका मैं रिविजन करवा दूंगा ठीक है ना तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर का रिविजन कल सुबह ग्यारह बजे होगा लाइव माई यूट्यूब चैनल निकुंज कहेंगे सबको और शेयर करना विध ये पार्ट हो गया अब सेशन करेंगे कल अपने रजिस्ट्रेशन वाले क्लास है वो अपने कर लेंगे ना तो रजिस्ट्रेशन कल का सेशन में होगा सुबह ग्यारह बजे जरूर आना है सबको शेयर करना है प्रेस द बेकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट बेक केयर गॉड ब्लेस यू